लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने की प्रेस वार्ता, जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश रंजन ने दी जानकारी। चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी की। पूरे जनपद को 188 सेक्टर एवं 28 जोन में बांटा गया। चुनाव संपन्न कराने को 32 नोडल अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी। क्रिटिकल बूथों का किया जा चुका है चिन्हांकन। सभी बूथों पर वरिष्ठ अधिकारी कर चुके हैं निरीक्षण। राजनीतिक दलों से बैठक कर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन न करने के प्रशासन ने दिए निर्देश। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया, पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहेगा पुलिस बल। गड़बड़ी करने वालों को नहीं खैर, मतदाताओं से निष्पक्ष निडर होकर बिना किसी के दबाव प्रलोभन में आए मतदान करने की करी अपील। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। देखिए जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग वहाँ उपस्थित थे, सब लोग मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जो इलेक्ट्रल रोल की तैयारी है आदर्श आचार संहिता के बारे में और उस दिन जो अपना मतदान का दिन है बूथ पर क्या क्या तैयारी की गई है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में सबको अभी अवगत कराया गया है ताकि जो अपना चुनाव का दिन है 7 मई को निष्पक्ष और निर्भीक होकर सब लोग जो भी मतदाता हैं अपने बूथ पर पहुंचे। इसलिए जो भी तैयारी है पुलिस की और प्रशासन का वो पूरा डिटेल आप लोगों को भी शेयर किया गया है। थैंक यू। इसका मेन पर्पज़ है कि चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पुलिस और प्रशासन की क्या व्यवस्था किया गया है वो पूरा डिटेल अभी आप लोगों के साथ शेयर किया गया था। उसमें बेसिकली इलेक्शन के समय में जो अपना पोल डे है, डिस्पैच सेंटर है, अलग अलग बूथ पर कहाँ कहाँ CAPF का मूवमेंट रहेगा, कहाँ क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ पर क्या तैयारी की गई है, ये पूरी सूचनाएँ बताई गई और मतदाताओं से ये अनुरोध है कि बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। आप लोग घर से निकलें और 7 मई को अधिक से अधिक नंबर जो भी मतदाता है अपना मताधिकार का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए जो नए मतदाता हैं उनके लिए भी स्वीप की एक्टिविटी के माध्यम से उन लोगों को काफ़ी प्रमोट किया जाता है कि सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। बेसिकली देश के भविष्य के लिए नए मतदाताओं को पार्टिसिपेट करना अत्यंत आवश्यक है। उसमें स्वीप की एक्टिविटी पूरे जनपद में सब जगह चलते पार्टिसिपेट कराया जा रहा है। थैंक यू।